हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया. सो माय नेम इज़ दीपाली कक्कड़ एंड आई एम हियर विद यू टू स्टार्ट आर न्यू सब्जेक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स. ठीक है, सो अभी हमारे नेक्स्ट ईयर के हमें एग्ज़ाम्स जो हैं उनको लेके अच्छे से प्रिपरेशन करनी है. बिकॉज क्या है कि एग्ज़ाम इज़ नॉट कि आप एग्ज़ाम आया फिर हम सोचेंगे पढ़ना और फिर हम थोड़ी सा पढ़ के एग्ज़ाम देने जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. काफ़ी हमारे पास ना एक बैकअप लेके चलना होता है हमें अपना. अब बैकअप किसका है? वो आपका स्टडी का है. ठीक है, एग्ज़ाम से पहले आपको अच्छे से प्रिपरेशन उसकी कर लेनी है. एटलीस्ट 6 मंथ लगाइए अपने एग्ज़ाम के ऊपर अच्छे से, सो दैट आप जो पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन उस पोस्ट को जस्टिफाई करें. राइट, सो उसी के लिए हम इकोनॉमिक्स के जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे थ्रू एमसीक्यूज. राइट, सो सेशंस आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप का ग्रुप जो है, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड एग्ज़ाम्स की सभी इन्फॉर्मेशन के साथ जो है आप जुड़ के रह सकते हैं. राइट, अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि क्या है. देखिए, एसएससी सीजीएल जैसे मैंने बोला है कि हमें एक रेप्यूटेड पोस्ट को टारगेट करना है. असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, ठीक है, इंस्पेक्टर हो जाता है, एग्जामिनर, ऐसे ही सेंट्रल एक्साइज का इंस्पेक्टर होता है. ठीक है, सो ऐसी कितनी पोस्ट हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, तो अब क्या इनके लिए अलग अलग प्रिपरेशन करोगे? राइट, तो इसमें क्या है, अगर हर एग्ज़ाम के लिए बार बार प्रिपरेशन करोगे तो टाइम वेस्ट होगा. सो आपको क्या करना है, आपको एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन जो है वो आपके लिए अभिपीडिया लेके आया है. एंड अब क्या, इसके आपको मैं एक बार फीचर्स बता देती हूँ. तो इसका बेनिफिट क्या है, कंप्लीट 1 ईयर का एक्सेस आपको मिल जाएगा एसएससी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए. ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, वीडियो लेक्चर्स. ठीक है, पढ़ना कहाँ से है, एक अच्छे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको. राइट, उसके बाद सेकंड चीज जो आपको चाहिए वो होगी आपकी पीडीएफ, क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया बट रिवाइज भी तो करना है, तो लेक्चर्स के साथ आपको मिल जाएंगी पीडीएफ. थर्ड, फिर आपने पढ़ भी लिया है, रिवीजन भी कर लिया है, अब उसको एनालाइज करने के लिए आपकी टेस्ट सीरीज रहेंगी. राइट, सो कंप्लीट सोल्यूशन आपके लिए देख सकते हैं. एंड फोर्थ, करंट अफेयर्स. ठीक है, ये तो पूरी ही प्रिपरेशन में ऐसे ही जाएगा कि करंट अफेयर, फिर उसकी पीडीएफ, फिर उसकी भी टेस्ट. राइट, सो कंप्लीट सोल्यूशन है आपको सिर्फ जो है 499 में मिल रहा है. सो जल्दी से जाके ऑफर को अवेल करिए बिकॉज ये लिमिटेड टाइम ऑफर है. राइट, तो अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं. इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, उन क्वेश्चंस को समझते हैं जो हमारे एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट डिसिप्लिन. ठीक है, सो देखिए, हम देखते हैं कि क्या हुआ है, नॉलेज का एवोल्यूशन हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो इवॉल्व होते रहे हैं. ठीक है, पहले साइंस एक फील्ड थी, मैथ्स थी, बट अब हम देखते हैं, ठीक है, कि फील्ड्स भी आगे बढ़ती जा रही हैं. साइंस में भी फिजिक्स हो गया, राइट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों को अब एक अलग अलग डिसिप्लिन माना जाता है. इसी तरह इकोनॉमिक्स जो है ना, ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी जो है मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इनको अलग अलग माना जाने लगा है. सो मैक्रो एंड माइक्रो की एक बार बात कर लेते हैं. ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, माइक्रो क्या होता है. ठीक है, इकोनॉमिक्स हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं मनी की. ठीक है, हम फाइनेंसिस की बात करते हैं, हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सेटअप जो है उसमें डिमांड्स कैसे मूव कर रही हैं, प्रोडक्ट्स कैसे मूव कर रहे हैं. राइट, तो माइक्रो लेवल पे क्या होता है, जब हम एक इंडिविजुअल के लेवल पे बात करें. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया है, आपके पास कुल मान लीजिए 500 रुपीज़ थे, तो आपने देखा कि इन 500 में मैं 500 में से कितने की वेजिटेबल्स की डिमांड कर सकता हूँ, कितने की मैं फ्रूट्स की डिमांड कर सकता हूँ, कितने का मुझे व्हीट चाहिए, ठीक है, या फिर कोई और अगर एक्सेट्रा स्टेशनरी आइटम्स. राइट, तो आपने अपने इंडिविजुअल लेवल को, अपनी डिमांड को एक्सेस किया बेस्ड ऑन कि आपके हाथ में कितनी मनी थी. ठीक है, और डिमांड इज़ ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय सप्लाई. ठीक है, काफ़ी इंटरलिंक्ड कंसेप्ट है. सिंपली अभी देखते हैं कि माइक्रो मतलब इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करते हैं, अब मैक्रो पे क्या होता है, अब हम इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं करते, अब हम एक ग्रुप की बात करते हैं. ठीक है, माइक्रो आप सिंपली अगर इकोनॉमी के लेवल पे देखें, हमने एक मार्केट की बात कर दी. ठीक है, एक छोटी सी मार्केट, एक लोकल मार्केट की. ठीक है, अब मैक्रो क्या होगा, मैक्रो होता है कि हमने कॉम्बिनेशंस ऑफ मार्केट की बात कर दी. मैंने इंडिविजुअल बोला था, पहले आपने अपनी डिमांड देखी, अब आपने क्या है, अपने जो है मान लीजिए कि 4 और जो आपके फ्रेंड्स हैं उन सबकी डिमांड को एक्यूमुलेट कर लिया, तो वो क्या होगी, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हो गया. ठीक है, जिसमें ज़्यादा जो लोग होते हैं, जो ग्रुप है, कंप्लीट ग्रुप जो है, सिमिलर ग्रुप है, उनकी डिमांड या फिर इकोनॉमिक कंसेप्ट्स को स्टडी किया जाता है. राइट, तो अभी बात की जा रही है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट डिसिप्लिन किसने बनाया, एडम स्मिथ, फिशर ब्लैक, जॉन मैनार्ड केन्स या फिर रॉबर्ट मार्टिन. तो आंसर है जी सी, जॉन मैनार्ड केन्स. ठीक है, इनकी बुक क्या आई थी, अ जनरल थ्योरी ऑन द एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. ठीक
ठीक है। और इस बुक में जो जब उन्होंने ये थ्योरीज प्रपाउंड की, ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट जो है, राइट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को जो है अलग अलग जब स्टडी किया गया तो ये नीड फेल्ट हुई कि जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये एक अलग कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है और आंसर आपका यही है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो आंसर इज़ एडम स्मिथ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट होता है, सो हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, सो आंसर इज़ एडम स्मिथ। ठीक है, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस जो है बुक इसके बारे में लिखा था। ठीक है, तो एडम स्मिथ, बुक कौन सी है, वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, बुक भी आपको दोनों ही जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स हुए हैं, ठीक है, इनकी याद रखनी है। सो हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। बुक कौन सी है, वेल्थ ऑफ नेशंस, राइट। एंड हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सो जे एम केन्स या फिर जॉन मैनार्ड केन्स, और बुक उनकी है जर्नल थ्योरी ऑन एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, राइट। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। सो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। ठीक है, तो इकोनॉमी में मेजरली होते हैं हमारे तीन सेक्टर्स। ठीक है, सो चीज़ों को ध्यान से करना है, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, अच्छे से कंसेप्ट समझिए। ये नहीं है कि फटाफट फटाफट बस देखना है आंसर। ठीक है, आंसर देखना है तो रिवीजन सीरीज आपके लिए ज़रूर आएगी। अभी हम जो है अपने कंप्लीट जो है अपना फोकस करेंगे कंसेप्ट के ऊपर, राइट। सो सेक्टर पूछा गया है कि कौन सा इसमें से प्राइमरी सेक्टर नहीं है, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर या फिर फिशिंग। ठीक है, सो आंसर इसमें क्या है, इसको जानने से पहले, इफ़ यू नो, वेरी गुड। ठीक है, तो तीन सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। सो सेक्टर्स हमारे होते हैं जी तीन। ठीक है, मेन तीन सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट। सो प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट या नेचर से कंसर्न होता है, जो डायरेक्टली, ठीक है, अर्थ या इन्वायरमेंट से जो रिसोर्सेज जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे कंसर्न होता है। ठीक है, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, आपने क्या किया है, अपने ज़मीन के ऊपर जो है कुछ सीड्स जो है लगाए हैं, तो उसमें से क्या है, आपको जो है फील्ड्स आपकी जो है हरी भरी हो रही हैं। ठीक है, सो प्राइमरी जो है ये इन्वायरमेंट एंड नेचर से जो नेचुरल एक्सट्रैक्शन होती है, जैसे कि फिशिंग। ठीक है, फिशिंग इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ऐसे ही हमारी माइनिंग, क्वेरिंग जो होती है, ये सारी ही प्राइमरी सेक्टर की हमारी एग्जाम्पल्स है, राइट। सेकेंड बात करते हैं हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सो सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है, देखिए, अब प्राइमरी सेक्टर में हमारे जो रिसोर्सेज आए हैं, दे आर समटाइम्स नॉट कि उनको हम ऐसे ही कंज्यूम कर लें या फिर जो है अपने यूटिलाइजेशन में ला पाए। ठीक है, जैसे जो हमारे जो एग्रीकल्चर होता है, राइट, उसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करना पड़ता है, राइट। अगर हमें फ्लोर चाहिए तो प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, सो उन सब प्रोसेसिंग के लिए क्या है, एक सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो हम बोलते हैं, जिसमें जो भी हमारे रॉ मटेरियल या फिर ऐसे नेचुरल मटेरियल एक्सट्रैक्ट किए गए थे उनको प्रोसेस करता है सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, माइनिंग से आपको क्या मिला, ऑर्स मिले। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के ओर मिले, अब उन ओर्स को क्या है आपको प्रोसेस करना होगा कि उसका कोई मेटल बन पाए, राइट। सो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री जो होती है हमारी, ठीक है, जो कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देगी फाइनल प्रोडक्ट में, एक यूजेबल प्रोडक्ट में, वो होता है हमारा सेकेंडरी, राइट। थर्ड होता है हमारा टर्शरी सेक्टर। अब टर्शरी सेक्टर वो होता है बेसिकली, जो हम इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, टर्शरी सेक्टर जो है ये अब कोई हमारी न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ना ही इसने नेचर से कोई प्रोडक्ट लिया है, ना ही उस नेचर वाले प्रोडक्ट को इसने कोई है ट्रांसफ़र कन्वर्जन की है, ये उन सभी प्रोसेसेस में हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में जो ओर्स निकाले गए थे माइनिंग में, अगर वो सेकेंडरी इंडस्ट्री तक पहुंचने हैं तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, ट्रेडिंग, लॉजिस्टिक्स। ठीक है, तो वो लॉजिस्टिक्स की जो है टर्शरी सेक्टर में आ जाएगी। ऐसे ही अगर वो हमें अपनी आयरन ओर्स जो है उनको क्या है रिफाइन करना है, तो उस इंडस्ट्री में लगेगी मनी, तो उनको क्या चाहिए, बैंकिंग, फाइनेंस, तो बैंकिंग, फाइनेंस, बैंकिंग हो गया। ठीक है, फाइनेंस हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, ऐसे ही कम्युनिकेशन हो गया, मार्केटिंग हो गया, जो भी चीज़ें इन दोनों जो हमारे सेक्टर्स हैं उनको क्या है सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो हमारा टर्शरी सेक्टर में आता है, राइट। सो अब हम अगर आंसर देखें तो इनमें से कौन सा हमारा प्राइमरी सेक्टर नहीं है, तो आंसर इज़ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमारा जो होता है वो सेकेंडरी होता है। ठीक है, इसमें रॉ मटेरियल जो है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के सारे रॉ मटेरियल यूज़ करके एक न्यू प्रोजेक्ट, एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सेकेंडरी एक्टिविटी, राइट। और बाकी तीन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग जो है, ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द जीडीपी डिफ्लेटर. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आपका एक कंसेप्ट है, जीडीपी डिफ्लेटर, राइट. सो जीडीपी डिफ्लेटर जो है, ठीक है, इसके लिए आपको सिंपली जो है, ठीक है, दो तीन डेफिनेशंस को जो है अंडरस्टैंड करना होगा. बहुत ही सिंपल सा होता है, ठीक है. सो जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में पूछा गया है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, तो जनरली जीडीपी डिफ्लेटर कहीं भी आए तो आपको क्या मानना है कि ये एक मेजर ऑफ इन्फ्लेशन है. ठीक है, अब ये तो इसका आंसर हो गया, बट हाउ, राइट. सो जीडीपी डिफ्लेटर को थोड़ा सा देख लेते हैं. जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला रहता है नॉमिनल जीडीपी, राइट, डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी. ठीक है, अब नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी एट द करंट प्राइसेस, जो मार्केट में अभी प्राइसेस चल रहे हैं, ठीक है, एंड जो हमारी रियल जीडीपी होती है एट द बेस प्राइसेस. ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज. एंड ये फॉर्मूला जो है इसको भी आपने याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं. सबसे पहले जीडीपी की बात करते हैं. सो जीडीपी क्या है? विद इन अ ईयर, ठीक है, एक नेशन की बाउंड्रीज के अंदर अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उनकी फाइनल वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, मतलब एक कंट्री की जो प्रोडक्शन है उसको हमने क्या बोल दिया? जीडीपी. ठीक है, अब ये मेजर ऑफ इन्फ्लेशन कैसे बन रहा है जीडीपी डिफ्लेटर, उसको समझिए. नॉमिनल जीडीपी क्या है? करंट प्राइसेस पे आपकी जीडीपी क्या है आज के डेट में? अगर आपकी जीडीपी जो है, ठीक है, वो 100 करोड़ है, ठीक है, तो वो क्या होगी? हमारी नॉमिनल जीडीपी. ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? रियल जीडीपी, मतलब अगर आप अपने बेस ईयर जिसके साथ इसको क्या है कंपेयर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम कंपेयर करेंगे 2015, ठीक है, जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज को आज जो है 100 करोड़ किया है, अगर हम उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइसेस हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेज हैं वो अगर हम 2015 वाले लेवल के लगा के देखेंगे तो वो हमारी रियल जीडीपी आ जाएगी. तो हमें इससे क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि 2015 में अगर हमने ये जो प्रोडक्शन की थी इसकी वैल्यू जो है सपोज कर लीजिए 80 करोड़ थी, ठीक है, और आज के टाइम में क्या है? 100 करोड़. तो क्या हुआ है? हमारी जो है प्रोडक्शन है वो इनक्रीज़ हुई है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो है इन्फ्लेशन के मेजर को दिखाता है कि जो हमारी जीडीपी बढ़ी है वो इन्फ्लेशन के कारण बढ़ रही है या फिर हमारी प्रोडक्शन के कारण, राइट. सो इस तरह जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो प्राइस डिफरेंसेस को भी जो है हमें इंडिकेट करता है, राइट. सो आंसर क्या हो गया? इट इज़ अ मेजर टू इवैल्यूएट रिसेशन. नो, हमने इन्फ्लेशन की बात की है. इट इज़ अ मेजर ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन, करेक्ट. इट हैज़ लिमिटेड बास्केट, नहीं, जीडीपी है, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है, राइट. फोर्थ, इट शोज अ रियल जीडीपी ग्रोथ बेस्ड ऑन करंट प्रोडक्शन. नो, ठीक है, ये रियल जीडीपी ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी जो है उसको कंपेयर करता है विद द रियल, राइट. सो आंसर क्या हो गया? बी. एंड जीडीपी डिफ्लेटर के लिए एक लाइन हमेशा याद रखनी है, दैट इट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ द इन्फ्लेशन, करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अब क्वेश्चन नंबर हमारा है फोर्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वार्टरनरी सेक्टर. ठीक है, तो क्वार्टरनरी सेक्टर की भी बात करते हैं. तो हमने क्या देखा था? टर्शरी सेक्टर. ठीक है, कहीं कहीं क्वार्टरनरी सेक्टर को फोर्थ सेक्टर बोला जाता है, क्विनरी सेक्टर को फिफ्थ सेक्टर बोला जाता है, बट मेजरली, ठीक है, टर्शरी सेक्टर के ही दो आगे जो है सब पार्ट जो है माने जाते हैं, क्वार्टरनरी एज वेल एज क्विनरी सेक्शन. ठीक है जी, तो बात करते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर की. इसमें अब क्या होता है? दिस इज़ द नॉलेज बेस्ड सेक्टर. तो क्या हुआ? जैसे जैसे, ठीक है, हमारी इकोनॉमिक्स में एक्टिविटीज़ बढ़ती रही. ठीक है, पहले सिंपल थी कि एग्रीकल्चर माइनिंग हो रही थी, उनको हम जो है प्रोसेसिंग करके कंज्यूम कर लेंगे. ठीक है, अब क्या हो रहा है? नॉलेज बेस्ड सोसाइटी चलती जा रही है, तो उस नॉलेज को प्रोसेस करने वाले भी तो लगते हैं ना, CAs होते हैं हमारे, राइट. ऐसे ही हमारे IT प्रोफेशनल्स होते हैं. सो नॉलेज बेस्ड जो सेक्टर है, जो नॉलेज प्रोवाइड करता है हमारे सभी सेक्टर्स को, उसको हम जो है क्वार्टरनरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं. ठीक है, जैसे कि CAs हो जाते हैं, ठीक है, जो हमारे CS हो जाते हैं, ऐसे ही MBA होल्डर्स हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, ये सब जो है क्वार्टरनरी सेक्टर का पार्ट है, राइट. अब क्विनरी सेक्शन में देखते हैं. ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, इसको आप बॉस से याद रख सकते हो, इनको गोल्ड जो कॉलर है ये भी बोला जाता है कहीं कहीं. ठीक है, तो ये क्या करेंगे? अब ये जो है सबसे हायर लेवल पे बैठेंगे. ठीक है, जैसे कि आपके CEOs होंगे. ठीक है, एंड दे विल गाइड कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्या लेके आने हैं. ठीक है, सो इनोवेशन जो गोल्ड कॉलर बोल रहे हैं, मतलब जो सबसे हाई लेवल पे बैठे गवर्नमेंट ऑफिशियल या मैनेजमेंट पर्सनल हैं, उनको क्विनरी सेक्शन में रखा जाता है. क्लियर है? सो टर्शरी के ही दो पार्ट भी बोले जाते हैं, और कहीं कहीं क्वार्टरनरी को फोर्थ एंड क्विनरी को फिफ्थ सेक्शन जो सेक्टर है ये भी माना जाता है इकोनॉमी का, राइट. क्वेश्चन देखिए. अब क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा क्वार्टरनरी सेक्टर का है? IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग या फिर फिशरीज. तो माइनिंग हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर, राइट.
अगेन मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी, फिशरीज अगेन प्राइमरी. सो फर्स्ट जो हो गया हमारा आईटी, ठीक है, जिसमें नॉलेज प्रोसेसिंग की जाएगी, दैट इज़ पार्ट ऑफ द क्वार्टरनरी सेक्ट. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब क्वेश्चन नंबर है हमारा फिफ्थ, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है. तो हमने क्या है, टर्शरी को भी जो है डिस्कस किया था कि वो सेक्टर जो सर्विसेज देगा प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सेक्टर को, ठीक है. तो देखते हैं फार्मिंग, ठीक है. सबसे पहले हमने बात की थी फार्मिंग एग्रीकल्चर, जो क्या होता है हमारा प्राइमरी, राइट. सेकेंड ट्रेडिंग, ठीक है. तो ट्रेडिंग सोचिए कौन सा है, हंटिंग अगेन प्राइमरी, वीविंग इज सेकेंडरी, ठीक है. आपको थ्रेड मिला, आपको क्या है वीव करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, तो ये भी सेकेंडरी. तो ट्रेडिंग जो होता है हमारा क्या हो जाता है, टर्शरी सेक्टर हो जाता है ट्रेडिंग. अब जो थ्रेड है, ठीक है, अगर हमारा थ्रेड जो है हमें प्राइमरी सेक्टर में मिला, सपोज कीजिए सिल्क, राइट. सिल्क फार्मिंग भी होती है, पिसिकल्चर बोलते हैं, राइट. सो सिल्क जो है हमें प्राइमरी सेक्टर से मिला, तो उसको अभी जो है वीवर तक पहुंचाने के लिए क्या यूज़ होगा, एक लॉजिस्टिक्स यूज़ होगा. तो वो लॉजिस्टिक्स क्या रहा था आपका, एक सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है. अब जो ये लॉजिस्टिक्स हो रहे हैं, समटाइम्स तो ये डायरेक्टली है, बट अगर कोई ट्रेडर बीच में बैठ जाए, ठीक है, मैं सपोज कर लीजिए ट्रेडर हूँ, मेरे साथ काफ़ी सारे जो है जो सिल्क फार्मर्स है वो एसोसिएटेड हैं एंड वीवर्स, ठीक है. सो ट्रेडिंग भी एक तरह से क्या है, एक सर्विस ही है, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर हो गया जी. सो ऐसे आपको करके जो है अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, कोई भी सेक्टर है आपको जो है उसके रिगार्डिंग क्लियर हो जाएगा, राइट. और इसके साथ साथ जैसे हमने स्टार्टिंग में जो मेन इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट की बात की है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब आपके लिए भी एक मैं क्वेश्चन जो है लेके आई थी. सो कॉलर जो होती है ना, ठीक है, ब्लू कॉलर वाइट कॉलर जॉब्स होती है, ठीक है. सो डू मेंशन इन द कमेंट्स, ठीक है, कि वाइट कॉलर ब्लू कॉलर जो है ये जॉब्स जो हैं वो कौन कौन से सेक्टर्स के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. क्लियर है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा. द कंसेप्ट ऑफ द वेजेस रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर स्टडीड अंडर विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है. तो हमने क्या देखा था, माइक्रो मैक्रो दो ब्रांचेस हो जाती हैं इकोनॉमिक्स की हमारी, राइट. तो एक पे हम इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे थे, एक मैक्रो लेवल पे बात कर रहे थे, ठीक है. अब आके देखिए कि इनमें से वेजेस रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट जो है वो बोल रहे हैं कौन सी ब्रांच है, क्या ये मैक्रो है, क्या ये माइक्रो है, क्या ये हेल्थ है या फिर इकोनोमेट्रिक्स है, राइट. तो इसके लिए क्या है, अभी हमको सिंपल सी बात करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड जो है फैक्टर इनकम्स की, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है. सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हम जनरली, ठीक है, देख के चलते हैं. अगर प्लस वन में किसी ने जो है इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी है तो उनके लिए बहुत ही ईजी कंसेप्ट हो जाएगा. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, सबसे पहले लैंड, चाहे आप फार्मिंग में हैं, माइनिंग में हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग में है, यू नीड अ लैंड, ठीक है. सर्विस सेक्टर को छोड़ के, सर्विस में भी इफ़ यू नीड टू सेट अप अ बिजनेस, कोई ऑफिस सेट करना है तो लैंड, ठीक है, मतलब एक स्पेस, पर्टिकुलर प्लेस तो आपको चाहिए, ठीक है. सो लैंड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट प्राइमल हम जो बोल सकते हैं, सबसे पहले रिक्वायर्ड जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज़ लैंड, ठीक है. लैंड के ऊपर क्या है, कौन वर्क करेगा, अब लेबर वर्क करेगी, ठीक है, लेबर वर्क करेगी, ठीक है. ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक के कंसेप्ट बहुत पहले जनरेट हो चुके हैं, ठीक है. तो डोंट गेट कन्फ्यूज कि आज के समय में लेबर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट. सो लेबर, फिर नेक्स्ट लैंड, लेबर. अब इन सबको चलाने के लिए क्या चाहिए होगा, पैसा, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल. एंड ये सब करेगा कौन, एंटरप्रेन्योर, जिसके पास एक आइडिया है, जो कि लैंड को भी जो है एक्वायर करेगा, उसमें लेबर लेके आएगा, अपनी कैपिटल इन्वेस्ट चाहे खुद करेगा या बाहर से करवाएगा, ठीक है. तो जो मेजर चार इंपॉर्टेंट हमारे होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है. तो इनके अगेंस्ट जो हमारे आते हैं वो होते हैं फैक्टर्स ऑफ इनकम, ठीक है. फैक्टर्स ऑफ इनकम में लैंड को क्या मिलेगा, लैंड के लिए माना जाता है कि देना पड़ेगा रेंट, ठीक है. लेबर को क्या मिलेगी, वेजेस, ठीक है. कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट. एंड अगर एंटरप्रेन्योर ने इतना सारा रिस्क उठा के इतनी जद्दोजहद की है तो किसके लिए की है जी, प्रॉफिट, ठीक है. तो अब हमने ये जो बात की है ये किस लेवल पे की है, ये सारी माइक्रो लेवल पे की है. अब क्यों देखिए, ठीक है, एक जगह लैंड की बात कर रहे हैं हम, होल सभी की नहीं, लेबर, एक जगह की लेबर की बात कर रहे हैं, ठीक है. क्योंकि अगर हम जो है मैक्रो लेवल पे बात करें तो वो क्या होता है, वेज रेट, इंटरेस्ट रेट, टैक्स लैब्स,
ठीक है, प्रॉफिट रेशोस, ठीक है, तो वो आ जाता है उसमें, ठीक है, रेंट रेट जो चल रहे हैं। सो अगर हम रेंट वेजेस इंटरेस्ट की बात करें तो ये माइक्रो लेवल पे बात की जा रही है। अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो है लैंड लगेगा तो वो रेंट कितना अर्न करेगा, लेबर जो है वो कितनी वेजेस लेगी, कैपिटल जो है उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। माइक्रो लेवल पे क्या रहता है, ये रेंट रेट, वेज रेट या फिर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया हमारा, बी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड जो फैक्टर्स ऑफ इनकम है। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गए हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन है, सो इन इकोनॉमिक्स टर्म व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, गुड्स इन ट्रांसिट बिफोर रीचिंग द कंज्यूमर, ठीक है, गुड्स सोल्ड बिटवीन इंडस्ट्रीज फॉर रीसेल और प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स, सी, प्राइस ऑफ गुड्स विदाउट GST या फिर फिक्स एसेट यूज बाय द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। सो इंटरमीडिएट का बात अगर हम जनरल मतलब देखें इंटरमीडिएट टर्म का, तो वो जो बीच में है अभी कहीं, ठीक है। सो ए या बी में से हमारा करेक्ट आंसर निकलेगा। सो एक बार इंटरमीडिएट को सिंपली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसमें क्या होता है। देखिए क्या होता है कि कुछ गुड्स ऐसी होती हैं, ठीक है, जो एक इंडस्ट्री के लिए अभी फाइनल प्रोडक्ट हो गया कि हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया है, अब हम इसकी क्या है सेल करेंगे। बट नेक्स्ट इंडस्ट्री जो है उसके लिए क्या हो जाती है, ये रॉ मटेरियल हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब ले लीजिए टायर्स की, सबसे बेसिक एग्जांपल है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे बेटर यही रहती है टायर्स की, ठीक है। सो टायर जो कंपनी है, ठीक है, जिसने टायर मैन्युफैक्चरिंग करने हैं, उस कंपनी के लिए क्या हो गया, ये एक फाइनल गुड होगी, ठीक है, उन्होंने जो है प्रोड्यूस कर दिया और उन्होंने क्या है अब इसको सेल करना है। बट आगे अगर देखें तो कार या बाइक मैन्युफैक्चरर के लिए क्या हो गया, ये एक रॉ मटेरियल का काम करती है, ठीक है। सो ये होती है हमारी इस तरह जो ऐसी गुड्स, ठीक है, जो कि एक सेक्टर या एक इंडस्ट्री के लिए तो फाइनल गुड है बट नेक्स्ट के लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि आयरन की भी अगर आप बात करें, तो आयरन जब मेटल बन गया है तो उसके कितने सारे यूजेस होंगे। सो जिस इंडस्ट्री में जाएगी वो उस इंडस्ट्री का क्या होगी, एक रॉ मटेरियल ही रहेगी, क्लियर है। सो इस तरह जो है आपको याद रखना है इंटरमीडिएट गुड्स। अब देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गुड्स इन ट्रांजिट बिफोर रीचिंग द कंज्यूमर, नॉट नेसेसरली, ज़रूरी नहीं है कि वो कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच गया, है ना। हमने देखा है कि वो एक सेक्टर, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री के बीच का सफ़र तय करेंगे। सो गुड्स सोल्ड बिटवीन इंडस्ट्रीज़ फॉर रीसेल और द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स, ठीक है, तो कन्फ्यूजन का पॉइंट जो है अब ख़त्म हो गया है, बिकॉज कंज्यूमर की बात इसमें नहीं की जा रही है। तो इंडस्ट्रीज़ के बीच जो है गुड्स, जो कि एक इंडस्ट्री के लिए क्या होगी रॉ मटेरियल, दूसरी के लिए जो होगी है पहले के लिए फाइनल प्रोडक्ट है, नेक्स्ट इंडस्ट्री के लिए वो रॉ मटेरियल होगी, ठीक है। सो बिटवीन इंडस्ट्रीज जो रहती हैं वो गुड्स होती है, इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर हो गया, आई होप यू गेट इट वेरी क्लियरली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, वट वुड हैपन टू द डिमांड कर्व व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगेन देखिए, एक ही सेशन में आपको इतने सारे कंसेप्ट जो हैं वो समझने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो ध्यान से देखना है, ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हर एक जो हमारा सेशन होगा, ठीक है, या फिर लेक्चर होगा, तो उसमें हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को ऐसे ही समझते हुए चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, राइट। सो क्वेश्चन को समझिए सबसे पहले, सॉरी, क्वेश्चन को समझिए सबसे पहले, ठीक है, कि पूछा गया है कि क्या होगा डिमांड कर्व को, ठीक है, अगर प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सिंपल डिमांड कर्व देखते हैं, ठीक है, डिमांड कर्व भी समझ जाएंगे आप इसमें, ठीक है। सो यहां पे क्या होगा हमारी क्वांटिटी, राइट, और यहां पे क्या है प्राइस, ठीक है। और सपोज कर लीजिए ये जो हमारा डिमांड कर्व है ये टीका है, राइट। सो क्या हो रहा है, जब हमारा प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है, ठीक है, तो 5 यूनिट्स ऑफ जो टी हैं वो डिमांड की जा रही हैं। सो दिस इज द बेसिक आवर डिमांड कर्व, ठीक है। सो दिस इज आवर बेसिक डिमांड कर्व हो गया, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स को भी फटाफट साथ में समझ लेते हैं। दो गुड्स, अगर एक मुझे उसमें से नहीं मिल रही तो मैं दूसरी को यूज़ कर लूँगी, वो होती है मेरी सब्स्टिट्यूट गुड। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है टी एंड कॉफ़ी की, ठीक है, टी एंड कॉफ़ी की। अब मैंने क्या बोला है कि दोनों के प्राइसेस पहले हमने मान लेने हैं सेम है, ठीक है, तो दोनों ही एट द प्राइस 10 जो है, ठीक है, सेल हो रही है, कितनी, 10 यूनिट्स, ये प्राइस है एंड ये क्वांटिटी है, ठीक है। अब क्या हुआ है, हमने बोला है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट है, डिमांड कब समझ आ गया आपको, सब्स्टिट्यूट जो है गुड्स वो समझ आ गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्या होगा अगर मेरी सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, तो टी मेरी प्राइमरी गुड है, सब्स्टिट्यूट गुड का जो है प्राइस बढ़ गया है, इसका प्राइस बढ़ के हो गया जी 12,
ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, टी का प्राइस तो 10 ही था, तो लोग शिफ्ट कर जाएंगे कि अब टी ज़्यादा पियेंगे और जो है हमारी कॉफ़ी है उसको हम कम पियेंगे, राइट। सो इसको हम P1 एंड Q1 जो है उससे डिनोट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट जो है कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया, तो उसकी डिमांड क्या है, कम हो जाती है, राइट। और इस क्यों कम हुई, क्योंकि लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते 12 पे कॉफ़ी, वो अब टी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो अब डिमांड कर्व के ऊपर इफेक्ट देते हैं, प्राइस ऑफ द टी बीइंग सेम 10 रुपीज़, क्वांटिटी डिमांडेड अब जो है क्या हो गई, 12, ठीक है। सो डिमांड कर्व क्या हो गया हमारा, शिफ्ट हो गया राइट साइड की तरफ, दैट इज इट शिफ्टेड आउटवर्ड। सो दिस इज़ द होल कंसेप्ट जो है आपको समझना है, इस तरह से समझेंगे। अभी स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बट एग्जामिनेशन तक आते आते आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। सो इससे आंसर देख लेते हैं, अब आंसर क्या होगा, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, नो, इनवर्ड शिफ्ट, नो, आउटवर्ड शिफ्ट, येस, ठीक है, इनिशियली इनवर्ड देन आउटवर्ड, नो, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, आउटवर्ड शिफ्ट या फिर राइट साइड शिफ्ट जो है डिमांड कर्व हो जाता है जब सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस जो है वो बढ़ता है, ठीक है। सो डिमांड कर्व एंड आपने सब्स्टिट्यूट गुड्स भी समझ लिए, एंड इफेक्ट ऑफ द प्राइस राइज इन द सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9th, डैश इज़ अ टाइप ऑफ अ गुड फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एंड इस प्राइस राइजेस, ठीक है। दो तरह की गुड जो होती हैं, ठीक है, एक होती है हमारी लग्जरी, एक होती है नॉन लग्जरी। दोनों ही काइंड में जब प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ जो है इनकी डिमांड बढ़ जाती है। लग्जरी की बात करें तो क्यों होता है ऐसा, ठीक है। सो लग्जरी आइटम्स जो होती हैं जनरली उनको क्या है, एक स्टेटस का सिंबल जो है वो माना जाता है, ठीक है ना। तो जैसे आप देखिए आईफोन नेक्स्ट जैसे जैसे आ रहे हैं, 15 आ गया, ठीक है, वो महंगे हो रहे हैं, बट उनकी डिमांड्स भी क्या है, डिमांड भी क्या है, बढ़ती जा रही है, बिकॉज पीपल बिलीव कि अगर हम आईफोन को ओन करेंगे तो हमारी क्या है, एक स्टेटस सिंबल बढ़ेगा, हमारी लग्जरी आइटम हमारे पास होगी, ठीक है। तो क्या होता है, लग्जरी आइटम जिनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उनकी क्या है, डिमांड भी जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। और दूसरी होती है नॉन लग्जरी, ठीक है, कुछ चीप आइटम्स जिनकी जो है प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड बढ़ती है, बट इसके पीछे अब रीज़न क्या होता है, इसके पीछे रीज़न होता है लोगों की एक्सपेक्टेशन कि आज हम इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है, ये 10 से 12 की हो गई है, ब्रेड फॉर एग्जांपल ले लीजिए, ये 10 से 12 की हो गई है मेरे पास, ठीक है, बहुत 12 रुपीज़ ही हैं, तो मैं आज इसको ले लेती हूँ, आई डोंट नो कि कल ये 14 की हो जाए तो आई विल बी एबल टू अफोर्ड इट और नॉट, ठीक है। तो जो राइस होता है, वीट होता है, ठीक है, ये कुछ ऐसी नॉन लग्जरी आइटम्स होती हैं जिसमें जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इफेक्ट करती हैं हमारी जो है डिमांड को, ठीक है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं तो हमें लगता है इन्फ्लेशन इतनी ना हो जाए कि ये चीज़ें भी मेरी आउट ऑफ रीच हो जाएँ, तो उनके कारण इनकी भी डिमांड जो है बढ़ जाती है, ठीक है। तो लग्जरी गुड्स जिनका प्राइसेस बढ़ने से डिमांड बढ़ती है वो होती है हमारी वेबलैंड गुड्स, ठीक है, एंड जो नॉन लग्जरी होती हैं उनको बोलते हैं गिफन गुड्स, क्लियर हो गया। सो आंसर इसमें क्या है जी, देखिए कैपिटल गुड्स नहीं है, कंज्यूमर नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं है, सो आंसर इज ए गिफन गुड्स, ठीक है, जिनका प्राइस, अगर आप क्वेश्चन में वेबलिन या गिफन जो है इनमें से एक ही ऑप्शन आएगा राइट, तो जो भी आपका सूटेबल ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने मार्क कर देना है, हमारा सूटेबल था गिफन गुड्स, राइट। डिमांड इंक्रीज हो रही है प्राइस बेसिस बढ़ने के कारण, एग्जाम्पल्स आर राइस, वीट या फिर ब्रेड, क्लियर हो गया जी, आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर सेशन, ठीक है, एंड आई होप यू आर गेटिंग कि चाहे हमने क्वेश्चन जो हैं वो लिमिटेड ही किए हैं, बट हमने कंसेप्ट जो है उनको अच्छे से फोकस करके रखा है सेशन के अंदर, राइट। सो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द मेथड्स ऑफ द नेशनल इनकम एस्टिमेशन, ठीक है। सो नेशनल इनकम एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने इसको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तीन मेथड होते हैं हमारे, ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, तीन मेथड होते हैं हमारे नेशनल इनकम एस्टिमेशन के। फर्स्ट मेथड जो होता है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड, राइट। सो प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड जो होता है, ठीक है, इसमें हम जो है GVA दैट इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड तक पहुंचते हैं, ठीक है। थोड़ा ये डेप्थ वाला है तो इसको कभी नेक्स्ट टाइम हम अपना समझेंगे, इसमें हम नेक्स्ट, ठीक है, अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो इकोनॉमिक टर्म्स में प्रॉपर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, NNP एट FC जो है इसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, FC स्टैंड फॉर फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। सो फर्स्ट मेथड होता है NNP एट FC तक पहुंचने का हमारा प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड जो होता है वो होता है इनकम मेथड, ठीक है, जिसमें हम रेंट, ठीक है, वेजेस
इंटरेस्ट इन सबसे जो इनकम आ रही होती है उसको ऐड करते हैं, ठीक है। और भी होता है इसमें भी, एंड फाइनली होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको इंक्लूड करके जो है जीडीपी तक पहुंचा जाता है, सॉरी, ठीक है। तो जीडीपी या नेशनल इनकम, जो फाइनल नेशनल इनकम होती है, दैट इज़ ऑलवेज NNPHFC, ठीक है। और जीडीपी जो होती है वो अलग होती है, इसमें थोड़े प्लस माइनसेस चलते हैं, आपको डेप्थ में नहीं जाना है, बट बस जनरल के लिए याद रखेंगे NNPHFCs आर नेशनल इनकम। तीन मेथड होते हैं, प्रोडक्ट मेथड, दैट इज़ वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। सेकंड हो जाता है हमारा इनकम, एंड फोर्थ जो थर्ड हो जाता है दैट इज़ द एक्सपेंडिचर। सो कौन सा नहीं है जी? बैंकिंग मेथड टाइप का कोई भी मेथड नहीं है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ए, ठीक है। अब कन्फ्यूज नहीं होना है, ए जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड नेशनल इनकम को भी जो है इसमें से भी काफ़ी आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बनते हैं, राइट। सो आई होप यहाँ तक आपको जो है वो क्लियर हो गया है, राइट। एंड इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज़रूर जाके ज्वाइन कीजिए, जुड़िए BPDIA के साथ अपनी अच्छे से आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। एंड उसके साथ साथ जो है आपको जो है सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने बहुत बताया है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, तो डू चेक आउट दैट सब्सक्रिप्शन एज वेल, ठीक है। एक बार लिंक में जाकर सब्सक्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, एंड आज के लिए इतना ही, एंड आई होप दैट यू लाइक द सेशन। सो डू लाइक एंड शेयर, एंड कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।